हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे डेली जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सेशंस की पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। और डेली ही नहीं, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए भी आप अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर रजिस्टर भी करवा सकते हैं, और वहां पर जाकर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का लुफ्त उठा सकते हैं। किसी को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होने से या फिर किसी भी कंटेंट में प्रॉब्लम होने से आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के पास यहाँ पर लुइस प्रेस्टन, जिम योंग किम, बार्बर कोनाबल एंड डेविड मालपास। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, उनका नाम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेविड मालपास। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी जितने भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में प्रेसिडेंट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और नाम आपको मेमोराइज करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ इसकी एडिशनल भी बात हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। करंट अफेयर्स का जो दबदबा है आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो वेटेज है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग आप लोग को स्टैटिक अवेयरनेस की भी नॉलेज यहाँ पर देते रहेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो हेडक्वार्टर आप लोग का हो जाएगा कहाँ पर, वो हो जाएगा आप लोगों का वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, प्रेसिडेंट की बात हम लोगों ने करी ली, और वर्ल्ड बैंक का जो फाउंडेशन ईयर है या फिर वर्ल्ड बैंक को कब फाउंड किया गया था, तो फाउंड किया गया था इसको 1944 में। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए बैंकिंग के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट रहेगी कि आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, ब्रेटन वुड ट्विंस भी इन दोनों बॉडी को कहा जाता है, एक आपका क्या है आईएमएफ और एक आपका क्या है वर्ल्ड बैंक, जिसको आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। राइट, और आप आईबीआरडी बोलो या वर्ल्ड बैंक बोलो एक ही बात है, लेकिन आईएमएफ जो है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताए, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, आपके डेविड मालपास। ये तो हम लोगों ने एडिशनल बातें कर ली, अब देख लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है सेवरल प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट द डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया को डेवलपमेंट में साथ देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सेवरल प्रोजेक्ट्स को क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है यहाँ पर। तो अपन एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चार इंडियन प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया है, आप लोगों को अप्रूव किया गया है, जिसकी वर्थ आप लोग की क्या है, $800 मिलियन। ये पहली चीज जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन चार प्रोजेक्ट का जो आपका टोटल पैसा होगा या फिर टोटल इसमें निवेश है वो कितना है, तो वो है आपका 800 मिलियन का। ठीक है, तो ये बात आप लोग पहले ध्यान रखोगे। दूसरी ये चीज होगी दोस्तों कि कौन से वो चार प्रोजेक्ट्स हैं। तो चार प्रोजेक्ट्स के नाम आप लोगों को देखो यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो है आप लोगों का
एस्केलेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम, जिसके लिए 400 मिलियन का समावेशन किया गया है। 100 मिलियन का समावेशन दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एस्केलेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट चिराग, जिसका नाम दिया गया है, उसके लिए है। बात ही कर लेते हैं तीसरे की, तीसरा आप लोग का हो जाएगा नागालैंड का, जहां पर आपका प्रोजेक्ट का नाम है इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट। और चौथा है जिसमें 250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो है आपका डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड ड्रिप 2। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चार प्रोजेक्ट्स है, इनके नाम आप लोग थोड़ा सा समराइज करना और कितने कितने रुपए निवेश किए गए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये जरूर जरूर से आप लोग को याद रखना होगा। बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट सपोर्ट किए गए हैं, ये इनिशिएटिव लिया गया है टू स्ट्रेंथनिंग द इंडिया सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर एंड प्रमोटिंग न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड इन छत्तीसगढ़। तो बेसिकली बोलने का बात ये है दोस्तों, ये जो चार प्रोजेक्ट्स हैं इनके अलग अलग अपने एम्स हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में और डिटेल चर्चा करना चाहूँ, तो सबसे पहला जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आप लोग देख पा रहे हो, सेकंड एस्केलेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिफॉर्म जो है, इसका जो मेन एम है आप लोग का, वो जो मेन एम है वो क्या है कि जितने भी पुअर सेक्शन है इंडिया में जो कि कोविड-19 से जूझ रहे हैं या फिर जो कोविड-19 से ग्रस्त है, उनकी हेल्प करना इस पहले प्रोजेक्ट का एम होगा। साथ ही साथ बात करेंगे दूसरे की, जो छत्तीसगढ़ में है जिसका नाम आपका चिराग है, तो दोस्तों इसका एम है आप लोगों का जितने भी प्रमोटिंग न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन द ट्राइबल हाउसहोल्ड, जितने भी ट्राइबल हाउसहोल्ड है छत्तीसगढ़ के, वहां पर न्यूट्रिशन का पूरा पूरा समावेशन हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सेकेंड प्रोजेक्ट को क्या किया गया है दोस्तों, लॉन्च किया गया। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मैं बोलूँ तो एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे विलेजेस हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के अंडर लिया गया है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, 1,80,000 ऐसे विलेजेस है, या फिर विलेजेस बोलना गलत होगा, हाउस होल्ड बोलना ठीक होगा, तो 1,80,000 इतने हाउस होल्ड है जिनको इस प्रोजेक्ट के अंडर हम लोगों ने इंक्लूड किया है, और अबाउट दोस्तों 1,000 विलेजेस है, ठीक है, जिनको इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, 1,80,000 ऐसे घर होंगे और 1,000 ऐसे विलेजेस होंगे जिनको चिराग प्रोजेक्ट के अंडर छत्तीसगढ़ के समावेशन में लिया गया है। बात करेंगे अगर नागालैंड की दोस्तों, तो नागालैंड में बेसिकली नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, क्लासरूम टीचिंग जो है उसको डिजिटलाइज करने के लिए और उसको और अच्छा करने के लिए ये प्रोजेक्ट का क्या किया गया है, आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, और उसमें जो रुपए लगाए गए हैं वो 68 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर खर्चा की जाएगी, ताकि बच्चों को क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बात करेंगे ड्रिप 2 की, तो ड्रिप 2 जो होगा दोस्तों, वो बेसिकली आप लोग का जो एम है वो ये है कि जितने भी डैम्स है या फिर जो डैम जो परफॉर्म करते हैं या फिर उनकी जो एक्टिविटी है उसमें और ज्यादा सेफ्टी और इम्प्रूवमेंट लेकर आए। ठीक है, तो जितने भी डैम्स है उसको और ज्यादा रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे, और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ज्यादा उसमें क्या करेंगे कि आप लोगों का सेफ्टी मेजर्स ज्यादा रखा जाएगा पानी को लेकर, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, ड्रिप 2 प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है सबसे पहले तो, और कितने कितने मनी उसमें इन्वेस्टेड है, और उन लोगों का एम क्या है। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, और ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारे avision.co.in वेबसाइट पर भी विजिट करिए, तो विजिट करने के बाद आप लोगों को वहां पर और डिटेल में सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछता है, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया और इन द कंट्री टू एस्टैब्लिश अ लेदर पार्क। तो दोस्तों ऐसी कौन सी सिटी है हमारे, कौन सा स्टेट है हमारी कंट्री का, हमारे भारत देश का, जिसने रिसेंटली लेदर पार्क को एस्टेब्लिश किया गया है, वहां पर लेदर पार्क बनाया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ऑप्शन है आप लोग के पास राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी मुझे आप लोगों के साथ स्टैटिक्स को शेयर करने चाहिए। जैसे यूपी का आपका कैपिटल क्या है, तो यूपी का कैपिटल आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। साथ ही साथ बात करेंगे यहां के गवर्नर की, तो गवर्नर हो जाएंगी आपकी आनंदी बेन
पटेल, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं इनके चीफ मिनिस्टर का, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ स्टैटिक जो हम लोगों ने एक्स्ट्राज में पढ़े। अब देख लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर, आप लोग का कानपुर में, ठीक है, रामपुर विलेज ऑफ कानपुर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है ₹5,850 करोड़ का, जहां पर मेगा लेदर पार्क का क्या किया जाएगा दोस्तों, बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बन जाता है कि बताओ कंट्री में ऐसा कौन सा स्टेट है, तो स्टेट हो जाएगा आपका यूपी, कौन सी जगह है तो हो जाएगा आपका कानपुर, और उसके भी डेप्थ में अगर पूछेगा तो लिख देना आप लोग रामपुर विलेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग की क्या हो गई, क्वेश्चंस की आंसर्स बना सकती है, क्वेश्चंस बना सकती है। दोस्तों हमें हमेशा की पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आपके यहाँ पर अविजन में जितने भी टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। द पार्क विच इज अ पार्ट ऑफ मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट इज लाइकली टू क्रिएट 50,000 जॉब्स। रिसेंटली द प्रोजेक्ट हैज रिवाइव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज लाइकली टू ले अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट सून। तो बेसिकली दोस्तों इस पार्क का सेटअप होने से काफी ज्यादा, आप लोगों को मैं बता दूं, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्टली 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और इनडायरेक्ट बेसिस पे 1.5 लाख लोग यहाँ पर क्या होंगे, रिक्रूट होंगे। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग देख पा रहे हो कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छा और काफी ज्यादा बोलू मैं तो गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा। द मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट विल अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा करीबन 13,000 करोड़ रुपए का होगा, और यहाँ पर इसको बनाने के लिए 5,850 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, एटलीस्ट 50,000 पीपल विल डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्टली ऑफ 1.5 लाख पीपल इन द लेदर पार्क टू बी बिल्ड अंडर अ मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट इन कानपुर द रिलीज रीड। द मेगा क्लस्टर प्रोजेक्ट विल अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 13,000 करोड़। तो दोस्तों ये आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया, और डिटेलिंग में आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि ये 4,000 स्क्वायर मीटर का क्या होगा पार्क होगा, और यहाँ पर 10,000 स्क्वायर मीटर का क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए भी जगह प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी एक एडिशनल चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया है। नेम द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म दैट हैज लॉन्च 24/7 फैसिलिटी टू सपोर्ट द कंपनीज दैट मेक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली 24/7 फैसिलिटी खोली है, किसकी, RTGS की, टू सपोर्ट द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फॉर द बिग कंपनीज, राइट। Paytm, PayPal, FreeCharge, MobiKwik. Here the correct option will be option number A, that is Paytm. दोस्तों Paytm के additional अगर मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूँ चीजें, तो यहाँ पर जो Paytm का headquarter हो जाएगा सबसे पहले तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसके फाउंडर या फिर सीईओ का नाम क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो Paytm के फाउंडर और सीईओ का नाम आप लोग का हो जाएगा दोस्तों विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो विजय शेखर शर्मा इसके क्या हो जाएंगे, फाउंडर या फिर सीईओ दोस्तों हो जाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों इंडियाज होम ग्राउंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ऑन ट्यूजडे अनाउंसेस दैट इट्स पेटीएम सर्विस विच एनेबल्स बिजनेसेस टू मेक बल्क एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स टू देयर एम्प्लॉइज वेंडर्स एंड पार्टनर्स हैज लॉन्च 24/7 RTGS फैसिलिटी सपोर्ट कंपनीज लाइक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन सीमलेसली। तो बेसिकली दोस्तों अब आप पेटीएम की हेल्प से 24/7 RTGS की फैसिलिटी को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज है कि आगे आने वाले टाइम में आप बैंकों में जाकर RTGS नहीं करना पड़ेगा, या फिर बैंक के एप्स जो काफी ज्यादा ढीले धीमे ही रहते हैं, आप हमेशा आप क्या कर सकते हो, पेटीएम की हेल्प से, पेटीएम वॉलेट की हेल्प से, UPI एड्रेस की हेल्प से, NEFT, RTGS, कुछ भी, कोई सी भी, ओवर द क्लॉक 24/7 आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसके बारे में और भी यहाँ पर डिटेल में रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज द 25th RBI गवर्नर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि सारे सेक्शंस में से
मतलब आपके पास जितने भी ऑप्शन है उनमें से 25th गवर्नर कौन है आरबीआई के? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांता दास, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आवर रीसेंट और आवर करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज शक्तिकांता दास, राइट? तो यहाँ पर आरबीआई के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो 25th आरबीआई गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांता दास हो जाएंगे। उससे पहले कौन थे दोस्तों? तो उससे पहले थे उर्जित पटेल और उससे पहले थे आपके रघुराम राजन। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा आरबीआई का? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ आरबीआई का एक्ट कब आया था दोस्तों? तो आरबीआई का एक्ट आप लोग का आया था 1934 में। और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? तो वो है आप लोग का 1 अप्रैल 1935, ठीक है? ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। स्टार्टिंग में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था वो दोस्तों कोलकाता में था, ठीक है? दो साल तक कोलकाता में रहने के बाद 1937 में परमानेंटली कहां पर शिफ्ट हो गया? मुंबई में शिफ्ट हो गया। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे, बैंकिंग अवेयरनेस के हिसाब से ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई क्यों इन दिनों सुर्खियों में है। तो बेसिकली आरबीआई ने इम्पोज किया दोस्तों 50 लाख रुपए का फाइन ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन केरला। द आरबीआई हैज इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹50 लाख on the Turban Cooperative Bank Limited in Kerala. The fine is imposed for non-compliance with directions issued on income recognition and asset clarification norms and management of advances of UCBs. Right? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया कि केरला की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बेसिकली आरबीआई ने इम्पोज किया है दोस्तों फाइन, जो कि कितना है आपका 50 लाख रुपए का। यही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इससे ज्यादा आप लोग को और इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ब्लॉक कर दिया गया है March 31, 2019, राइट? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली डैश एवरी ईयर। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है आप लोग के पास 20th दिसंबर, 21st दिसंबर, 22nd दिसंबर, 23rd दिसंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20th ऑफ दिसंबर। तो हर साल 20 दिसंबर को आप लोग का क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को मैं इस वर्ड का मीनिंग बता दूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज सॉलिडरिटी का मतलब आप लोग का क्या होता है? तो सॉलिडरिटी का मतलब आप लोग का होता है दोस्तों अवेयरनेस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट क्रिएट अ साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ यूनिटी एंड टाइज इन अ सोसाइटी दैट बाइंड पीपल टूगेदर। तो बेसिकली दोस्तों वो सोच और वो हमारे आइडियाज जिनको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हमारे बीच में यूनिटी बनी रहे, ठीक है? अगर जैसे सपोज करो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल के शेयर थॉट्स अगर अलग होंगे तो वो कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएंगे। अगर इन लोगों के थॉट्स सेम होंगे तो ये लोग हमेशा एक बॉन्ड बनाकर रखेंगे, एक यूनिटी बनाकर रखेंगे, और उसी यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिडरिटी बोलते हैं, ठीक है? ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन 20th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस of solidarity. According to the United Nations Millennium Declaration, solidarity is among the fundamental values that are essential to international relationships, right? तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को बात ध्यान रखनी है कि इस दिन को कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर को, ठीक है? ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। चलते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि करंट मिनिस्टर कौन है आप लोग के कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। तो ऑप्शन है आप लोग के पास मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल, रविशंकर प्रसाद, प्रमोद महाजन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रविशंकर प्रसाद, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, रविशंकर प्रसाद क्या हो जाएंगे, मिनिस्टर हो जाएंगे कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के। पढ़ लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो दोस्तों रिसेंटली पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड अनाउंस्ड हुए हैं। और बेसिकली जो अवार्ड दिए गए हैं दो लोगों को दिया जाता है दोस्तों। तो ये जो अवार्ड है बेसिकली सबसे पहले तो बात करेंगे इस अवार्ड की। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है टू मोटिवेट द टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम एंड डीओटी लॉन्च्ड
तो बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जो भी अच्छा काम करते हैं लोगों को उनको सम्मान करने के लिए इस अवार्ड को क्या दिया जाता है, उनको सम्मान सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। तो दो लोगों को यहाँ पर सम्मान किया जाता है, जो पहला हो रहता है, जो फर्स्ट प्राइज जाता है उसको 50,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलता है, और जो दूसरा होता है उसे 30,000 का कैश अवार्ड मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पर वो है आप लोग के श्रीनिवास कारानम, जो कि कहाँ से, बेंगलुरु से है, और उनको फर्स्ट प्राइज के लिए क्या किया गया है दोस्तों, सेलेक्ट किया गया है। और साथ ही सुब्रत कर है, जो न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको सेकंड प्राइज के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि क्यों इन दोनों को अपने अपने फील्ड में इन्होंने क्या ऐसा किया है जिनके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। और आपको जो बात ध्यान रखनी है वो कि ये फर्स्ट सेलेक्टर को 50,000 मिलेंगे और दूसरे सेलेक्टर को कितने मिलेंगे, 30,000 रुपीज का कैश अवार्ड यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टेक अवे रहेगा आप लोग के लिए वो ये रहेगा कि करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक आईटी कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज ऑनर्ड विद एसोकैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एसोकैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसको ऑनर किया गया है, किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, रामनाथ कोविंद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रतन टाटा। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो दोस्तों रतन टाटा को रिसेंटली ऑनर किया गया है एसोकैम एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड से, और इनको जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द एसोकैम फाउंडेशन वीक 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द वीक लॉन्ग एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया एसोकैम फाउंडेशन वीक वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 15 to 19 December 2020। इसका जो थीम रहेगा वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो थीम यहाँ पर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, आत्मनिर्भर रोड मैप टूवर्ड्स $5 trillion इकोनॉमी। राइट, तो यहाँ पर जो आप लोग का थीम है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर डे का, हर इंपॉर्टेंट डे का, या फिर कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसका आप लोग को थीम जरूर जरूर यहाँ पर याद रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और भी आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इसको अवार्ड को किसको सम्मानित किया गया। तो सम्मानित यहाँ पर किया गया है रतन टाटा को, और किसके द्वारा, तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वर्चुअली बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक, दैट इज कोरोना वायरस पैंडेमिक 2019। राइट, तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक हेडक्वार्टर्ड एट। दोस्तों आप लोगों से पूछा है कि पीएमसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पर पीएमसी बैंक का जो हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, आपका मुंबई में हो जाएगा। एडिशनल इसकी इन्फो लेंगे तो यहाँ पर आप लोग के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पीएमसी बैंक के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, मैं लिख दूं एक बार आप लोग के लिए, तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे आप लोगों के पीएमसी बैंक के, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एके दीक्षित। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ पीएमसी बैंक को फाउंड कब किया गया, तो इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1984। राइट, तो ये बात भी इधर क्या करोगे आप लोग, ध्यान रखोगे। पढ़ लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंड किया है अपना वैलिडिटी पीरियड ऑफ डायरेक्शन फॉर द स्कैम हिट पंजाब महाराष्ट्र एंड कोऑपरेटिव बैंक फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ December 23, 2020 टू March 31, 2021 सब्जेक्ट टू रिव्यू। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग करंट अफेयर्स को डेली फॉलोअप करते हैं, तो पीएमसी बैंक पे रिसेंटली दोस्तों मोराटोरियम लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। उस मोराटोरियम को एक्सटेंड कर 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो मोराटोरियम लगा है वो आपका 31 मार्च 2021 तक पूरा आरबीआई के अंडरटेकिंग में रहेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी अब आरबीआई को बिना पूछे पीएमसी बैंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी दोस्तों। पहले जो इसका 6 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड था वो आप लोग का June 23 से लेकर दोस्तों December 2022 तक का था, June 23 से लेकर December 2022 तक, और अब उसको एक्सटेंड कर 31 मार्च कर दिया गया, मतलब 3 महीना और बढ़ा दिया गया मोरेटोरियम का। ठीक है, तो ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, तो ध्यान रखनी होगी, नाम ध्यान रख लेना, इसके फाउंड कब हुआ था ये ध्यान रख लेना, डायरेक्टर का नाम याद रख लेना, और कितना एक्सटेंड हुआ है और किसने किया है, तो ये बात आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है दोस्तों ये देख लेते हैं। तो एमजी वैद्य बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एमजी वैद्य जो है वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, कौन से फील्ड
से बिलोंग करते हैं, ये बात आप लोग को बतानी है। जर्नलिस्ट, राइटर, फोक सिंगर, पोएट, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जर्नलिस्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सीनियर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ये आइडियोलॉजी भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों संस्कृत के ये स्कॉलर भी रह चुके हैं और आरएसएस के स्पोक पर्सन भी ये रह चुके हैं 1943। तो ये काफी एक मशहूर पर्सनालिटी, मशहूर हस्ती थी, जिनका क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइस हो चुका है, ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने हर सेशंस में आप लोग को बताया है ऑर्बिचरीज पे आपके क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलते हैं। करंट अफेयर्स का दबदबा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। करंट अफेयर्स को आपको अपने टिप्स पर लेकर जाना जरूरी होगा। जब भी आपका एग्जाम होता है फ्रेंड, 6 to 8 months के करंट अफेयर्स को आप लोग अपने टिप्स पर रखना होगा। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन के YouTube चैनल को, ऑफिशियल YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जरूर जरूर रजिस्टर करवाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन तो है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑर्बिचरीज और डिमाइस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट COE फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड? हिसार, गुरुग्राम, नोएडा, अहमदाबाद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुग्राम, ठीक है, आप लोग का क्या, गुरुग्राम में एक स्किल डेवलपमेंट पावर सेक्टर के लिए इनॉग्रेट किया गया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। द स्किल एंड स्टेट फॉर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट राजकुमार सिंह हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर इन गुरुग्राम। द COE हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा, राइट? तो ये बात आप लोग के एग्जाम के लिए पहली चीज इंपॉर्टेंट होगी कि ये जो इनॉग्रेशन हुआ है वो कौन से सिटी में हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, गुरुग्राम, जिसको पहले गुरगांव बोला जाता था, उसका नया नाम क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक है, तो ये बात भी इधर आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो 3 points ही रहेंगे दोस्तों, इनको अगर आप लोग और ज्यादा इसके बारे में डिटेल चाहते हो तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपका पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का top 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी इन वीडियोस का फायदा हो सके, उन्हें भी हेल्प मिल सके, तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को दोस्तों शेयर करिएगा। दिक्कत होने से आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।